देखा जाना बिल ऑफ एक्सचेंज। इस लेक्चर में हम लोग जर्नल एंट्रीज देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की। इलुस्ट्रेशन ऑन रिटेन बिल। अगर ड्रॉवर ने बिल अपने खुद के पास में ही रखा तो उस टाइप का इलुस्ट्रेशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ऑन 1 जून 2019 प्रताप सोल्ड गुड्स टू सुजीत। प्रताप ने सुजीत को गुड्स सेल किया वर्थ ₹82,000 का गुड्स प्रताप ने सुजीत को सेल किया। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन किसका हो गया? सेल का हो गया। सेल का ट्रांजेक्शन हो गया सबसे पहला वाला। उसके बाद में सुजीत एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय प्रताप फॉर 2 मंथ फॉर ₹82,000। प्रताप ने जो बिल ड्रॉन किया था, जो बिल ड्रॉ किया था सुजीत के ऊपर, उस बिल को एक्सेप्ट किया सुजीत ने। वो बिल कितने मंथ का था? 2 मंथ का पीरियड उसका 2 मंथ का था और 82,000 की अमाउंट है। ये बिल एक्सेप्ट किया तो ये दूसरा वाला ट्रांजेक्शन होगा बिल एक्सेप्टेंस का। बिल एक्सेप्टेंस का दूसरा ट्रांजेक्शन। तो ये पहली वाली एंट्री और ये दूसरी वाली एंट्री। फिर उसके बाद में आगे क्या बोला है उन्होंने कि गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ प्रताप एंड सुजीत फॉर द फॉलोइंग केसेस। अब ये दो तो केस आ गई उसमें, अभी फॉलोइंग केस कौन सी है वो देखेंगे हम लोग। बिल इज ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। अभी इसकी जो भी ड्यू डेट आएंगी 2 मंथ के बाद में इसके पैसे मिलने वाले हैं। किसके पास से मिलने वाले हैं? सुजीत के पास से। कब मिलने वाले? 2 मंथ के बाद, आफ्टर 2 मंथ जब इसकी ड्यू डेट आएंगी। 2 मंथ इसकी ड्यू डेट आएंगी तो ड्यू डेट कौन सी आएंगी? जैसा कि 1 जून 2019 को ये बिल ड्रॉ किया तो 1 जून से लेके तो 1 जुलाई तक 1 मंथ हो गया। 1 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक 2 मंथ हो गया। तो 1 अगस्त इसकी नॉमिनल ड्यू डेट बन गई। 1 अगस्त इसकी नॉमिनल ड्यू डेट बन गई। तो 1 अगस्त ये जो नॉमिनल ड्यू डेट है, हमें चाहिए लीगल ड्यू डेट। लीगल ड्यू डेट कब आएंगी? जब हम लोग इसमें 3 ग्रेस डे प्लस करेंगे। जो ग्रेस डे रहते हैं एक्स्ट्रा के दिन मिलने वाले, वो 3 इसमें प्लस करने पड़ेंगे। तो 3 इसमें प्लस करने के बाद में क्या आता है? 4 अगस्त। तो इसकी लीगल ड्यू डेट बन जाएंगी 4 अगस्त। तो 4 अगस्त इसकी लीगल ड्यू डेट है। तो 4 अगस्त को क्या हो रहा है? सबसे पहला कंडीशन हमने बताया, पहली वाली केस, बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ये जो 4 अगस्त है, ये 4 अगस्त को बिल ऑनर्ड होता है। ऑनर का मतलब है सुजीत के पास से उसके पैसे मिल जाते हैं। किसको? प्रताप को। सुजीत के पास से प्रताप की बिल, प्रताप के पास में पैसे आ जाएंगे। किसके बदले में? बिल के बदले में। इसका मतलब बिल ऑनर होगा 4 अगस्त को। तो ये पहले वाले केस में इनकी एंट्री क्या होंगी ये करना है। तो एंट्री कैसी होंगी देखो। सबसे पहले तो सेल की एंट्री 1, 2 नंबर एक्सेप्टेंस रिसीट की एंट्री। अगर प्रताप के बारे में सोचा जाए तो एक्सेप्टेंस रिसीट मिलने, इसको मिलने वाला है ना एक्सेप्टेंस, सुजीत के पास से बिल एक्सेप्ट करके प्रताप के पास में आने वाला है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेप्टेंस रिसीट। दूसरी वाली एंट्री होगी एक्सेप्टेंस रिसीट की। फिर बाद में ऑन ड्यू डेट बिल इज ऑनर्ड, बिल क्या होगा? ऑनर होगा। तो ड्यू डेट के दिन बिल के पैसे मिलने वाले हैं, ऑनर्ड की एक एंट्री आएंगी। मतलब तीसरी एंट्री ये होने वाली है, ऑनर्ड की एंट्री होने वाली है। ठीक है, 1, 2, 3 ये पहले वाले केस में हो जाएगा। फिर दूसरे वाले केस में क्या होगा? दूसरा वाला जो केस इन्होंने बताया, बिल इज दिस ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, दिस ऑनर्ड हो गया, ऑनर्ड नहीं हुआ, डिस ऑनर्ड हो गया। इसका मतलब सुजीत के पास से 4 अगस्त के दिन पैसे नहीं आए तो डिस ऑनर्ड हो गया। तो डिस ऑनर्ड की एंट्री होंगी, ऑनर की एंट्री नहीं होंगी, उसके बदले में कौन सी होंगी? डिस ऑनर की। मतलब जो दूसरी वाली केस है, बिल इज डिस ऑनर, अगर बिल डिस ऑनर होता है, सुजीत ने अगर पैसे नहीं दिए तो कैसी होंगी एंट्री तीसरी? तो यहाँ पर समझाना है, पहली वाली एंट्री सेम वही रहेंगी, दूसरी भी एंट्री सेम वही रहेंगी। अगर बिल डिस ऑनर होता है 4 अगस्त को तो 4 अगस्त की एंट्री बदलने वाली है। सेम वैसे ही तीसरा क्या केस है देखते हैं, बिल डिस ऑनर और नोटिंग चार्जेस पेड बाय प्रताप। तो नोटिंग चार्जेस जो है प्रताप ने पेड किया, तो ये तीसरा वाला केस है। अगर बिल डिस ऑनर होता है तो उस डिस ऑनर की, डिस ऑनर का जो भी रजिस्ट्रेशन करना रहता है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए नोटिंग चार्जेस लगते हैं। उसको नोटिंग करेंगे ना अपन नोटरी क्लब के पास में, सॉरी नोटरी जो भी अधिकार रहने वाला है, नोटरी ऑफिसर। तो नोटरी ऑफिसर के पास में बिल डिस ऑनर होता है तो उसका नोटिंग चार्जेस देना पड़ेगा। तो नोटिंग चार्जेस किसने दिया? प्रताप ने दिया। तो ये जो नोटिंग चार्जेस है क्यों देना पड़ा? क्योंकि बिल डिस ऑनर हो गया।
तो ये किसके वजह से रीसॉन हो गया, सुजीत की वजह से। तो ये नोटिंग चार्जेस किसके पास से वसूल करना पड़ेगा, सुजीत के पास से वसूल करना पड़ेगा, इसलिए ये भी सुजीत के ऊपर ही हमें डेबिट करना पड़ेगा 250 का। तो ये तीसरी वाली केस में एंट्री कैसी होगी, ये तीसरे केस में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो अभी एंट्री जो है वो पहले केस के हिसाब से हम लोग सोचते हैं। पहली जो केस है बिल अगर ऑनर होता है ड्यू डेट के दिन, तो एंट्री क्या होगी वो सबसे पहले देखेंगे। पहली वाली एंट्री जाएंगी सेल की, प्रताप ने सुजीत को सेल किया। दूसरी एंट्री जाएंगी एक्सेप्टेंस रिसीव की, प्रताप के पास में एक्सेप्टेंस रिसीव हो गया और बिल ऑनर हो गया ड्यू डेट के दिन 4 अगस्त को, ठीक है। तो अभी प्रताप और सुजीत के बुक में करने के लिए बोला एंट्री, तो हम लोग प्रताप के बुक में सबसे पहले देखते हैं। ऊपर लिखना है इन द बुक ऑफ प्रताप जर्नल डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलियो डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ये फॉर्मेट हमने 11 में ही पढ़ा था। तो सबसे पहले अभी यहाँ पर लिखना है तुम्हें ईयर, ईयर है 2019 में 1 जून को इसने गुड्स सेल किया है, 1 जून को, 1 जून क्या हो गया, गुड्स सेल किया, किसको सेल किया, सुजीत को सेल किया। तो सुजीत के पास में गुड्स जा रहा है, तो सुजीत अकाउंट क्या होगा यहाँ पर, डेबिट बाय सुजीत अकाउंट, बाय सुजीत अकाउंट डेबिट टू, क्या हो किया मैंने सेल किया तो सेल अकाउंट क्रेडिट टू सेल अकाउंट, बाय सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कितने रुपए का माल बेचा है, 82,000 का, 82,000 का, 82,000 डेबिट में अमाउंट, 82,000 क्रेडिट में अमाउंट। इसका नरेशन क्या आएगा, बी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये उधार में माल बेचा गया ना, इसलिए एंट्री कैसी हो गई, सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये हो गई पहली वाली एंट्री। फिर उसी तारीख को प्रताप ने बिल ड्रॉ किया और सुजीत ने उसको एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया। तो जो एक्सेप्ट करेगा, जब एक्सेप्ट करेगा तभी इसकी एंट्री होंगी, बिल ड्रॉ किया उसकी एंट्री नहीं होंगी। तो 1 जून को ही हमें एंट्री करनी पड़ेगी। 1 जून को क्या हुआ, बिल एक्सेप्टेंस रिसीव आया, मतलब मेरे पास में बिल एक्सेप्ट करके आया है, किसके पास से आया, सुजीत के पास से आया। तो जो बिल मेरे पास में आया बिल ऑफ एक्सचेंज, उस वो बिल मेरे लिए क्या है, बिल रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि उसके बदले मुझे सुजीत के पास से पैसा लेना है ना, तो उस बिल के बदले मुझे पैसे मिलने वाले हैं, इसलिए वो बिल रिसीवेबल है। तो मेरे पास में बिल रिसीवेबल आ गया, तो बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल, रिसीव पूरा लिखना है, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किसके पास से आया, सुजीत के पास से, टू सुजीत अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुजीत अकाउंट। बिल कितने रुपए का था, 82,000 का, जितने रुपए का माल बेचा उतने रुपए का बिल मैंने ड्रॉ किया, 82,000 का। यहाँ पर नरेशन क्या आएगा, बीइंग बिल एक्सेप्टेंस, बिल बीइंग बिल एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, बीइंग बिल एक्सेप्टेंस रिस्यूड, बीइंग बिल एक्सेप्टेंस रिस्यूड, जो कि दूसरी वाली एंट्री। अभी इसकी ड्यू डेट आएंगी, ड्यू डेट कब आएंगी, 1 जून से लेके, तो 1 जुलाई एक महीना, 1 जुलाई से लेके 1 अगस्त 2 महीने, 1 अगस्त में 3 ग्रेस डे प्लस करना है, 4 अगस्त आएंगे, तो 4 अगस्त इसकी ड्यू डेट है। तो 4 अगस्त को क्या होगा, तो पहली वाली केस हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ए की केस देखे, ए ए में क्या बताया इन्होंने, 4 अगस्त को अगर बिल ऑनर होता है तो क्या होगा, अगर बिल ऑनर होता है तो कैश मिल जाएंगी, अगर बिल ऑनर होता है तो कैश मिल जाएंगी। तो कैश देगा वो सुजीत, या फिर मेरे बैंक के अकाउंट में पैसे जमा कर देगा, या फिर चेक देगा वो, चेक में सीधा क्या करूँगा, बैंक के अंदर जमा कर दूंगा, ये तो कैश आएंगी या फिर चेक आएगा। तो यहाँ पर हमें लिखना है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये कैश या फिर बैंक में पैसा क्यों आया, कैसे आया, बिल के बदले में आया, बिल ऑनर हो गया इसलिए पैसा आया, तो बिल मेरे पास से जाएगा ना, कौन सा बिल है मेरे लिए, वो बिल रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल पूरा लिखना है, बी आर नहीं लिखना है, पूरा लिखना है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट आएगा, बाय
कैश पब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 82,000 का बिल था, 82,000 ठीक है। नरेशन आएगा बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट बीइंग बिल ऑनर ऑन ड्यू डेट, ये पूरी की पूरी एंट्री हो गई तीन। यहाँ पर ये ए केस खत्म होती है। ए केस में क्या था, अगर 4 अगस्त को बिल ऑनर होता है तो। अभी बी वाली केस क्या बोलती है कि 4 अगस्त को ड्यू डेट के दिन ये बिल डिस ऑनर होगा तो फिर क्या करेंगे, बिल अगर डिस ऑनर होता तो क्या करेंगे, तो सिर्फ हमें 4 अगस्त की एंट्री ही बदलनी है, 4 अगस्त की एंट्री, बाकी पहली एंट्री तो सेम वही रहेंगी, दूसरी भी वही रहेंगी। तो ड्यू डेट के दिन क्या होता है, ड्यू डेट के दिन ये पैसे नहीं देंगे, तो यहाँ पर बी कंडीशन 4 अगस्त में सिर्फ चेंज होने वाली है। बी कंडीशन क्या बोलती है कि 4 अगस्त को ड्यू डेट के दिन बिल डिस ऑनर हो गया, अगर डिस ऑनर हो गया तो मेरे पास में पैसा आया नहीं आया, तो पैसा लेना पड़ेगा, किससे लेना पड़ेगा, सुजीत के पास से लेना पड़ेगा, तो मेरा डेटर जो है सुजीत वो बढ़ जाएगा, उससे उसके पास से पैसा लेना बाकी है तो सुजीत के पास में बिल जाएगा कि भाई ये जो तेरा बिल है, बिल तूने डिस ऑनर कर दिया, अभी तू मुझे पैसे दे, तो बिल मैं सुजीत के पास में दे दूंगा और सुजीत के नाम से यहाँ पर लिख दूंगा। तो सुजीत के पास में बिल जा रहा है तो सुजीत रिसीवेबल है, यहाँ पर बाय सुजीत अकाउंट आएगा, सुजीत अकाउंट डेबिट टू, मेरे पास से बिल गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट, बाय सुजीत अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। नरेशन क्या आएगा, यहाँ पर बिल ऑनर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया डिस ऑनर, तो बीइंग बिल डिस ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, बीइंग बिल डिस ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट 82,000 ड्यू डेट के दिन बिल डिस ऑनर हो गया। यह आ गई बी कंडीशन। अभी सी वाली कंडीशन में क्या बोला उन्होंने, बिल डिस ऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस जो है डिस ऑनर्ड के 250 रुपये है नोटिंग चार्जेस, ठीक है ना, ये बिल डिस ऑनर्ड जब भी होगा तो इसके नोटिंग चार्जेस पेड करना पड़ता, अगर इसका रजिस्ट्रेशन किया जाए तो नोटरी ऑफिसर जो भी रहता है उसके पास में इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता। वो क्यों करना पड़ता, अगर समझ लो सुजीत मुकर गया पैसे देने से, तो मेरे पास में मतलब प्रताप के पास में कुछ ना कुछ एविडेंस होना चाहिए ना, तो उस एविडेंस के लिए अभी जो भी बिल डिस ऑनर होगा, बिल डिस ऑनर होने के बाद में ये बिल कुछ भी काम का नहीं, मात्र एक कागज़ है, वो कुछ भी काम का नहीं है, तो इसके पास में कुछ ना कुछ एविडेंस चाहिए। सुजीत अगर मुकर जाता है तो फिर क्या होगा, पैसे नहीं आएंगे, 82,000 का नुकसान हो जाएगा, तो करके प्रताप जो है क्या करेगा, जब भी ये बिल डिस ऑनर होता है तो ये प्रताप जाता है नोटरी ऑफिसर के पास में और इसका वहाँ पे नोट डाउन कर देता है, उसको नोटिंग वहाँ पे कर देता है, तो उस नोटिंग के वो उसको कुछ ना कुछ चार्जेस देना पड़ेगा। तो इसने अभी यहाँ पर नोटिंग के चार्जेस दिए हैं 250 रुपये। ये क्यों किया प्रताप ने, उसके खुद के सेफ्टी के लिए, क्योंकि उसके पास में कुछ ना कुछ एविडेंस चाहिए ना, अगर सुजीत ने पैसे नहीं दिए तो इसको कोर्ट में जाने के लिए जगह रहेंगी, जब कोर्ट में जाएगा तो बताएगा कि देखो मैंने इसका तो नोट डाउन भी किया है, इसका रजिस्ट्रेशन भी किया है, जब भी डिसऑनर हुआ था उसका मैंने रजिस्ट्रेशन किया है, इसके नोटिंग चार्जेस मैंने पेड किए थे, ये मेरी पावती है उसकी, तो इसके पास से मुझे 82,000 लेना बाकी है, ये ऐसा एविडेंस उसके पास में आ गया। तो नोटिंग चार्जेस अगर इसने दिया तो उसकी एंट्री कैसी होंगी, डिस ऑनर की एंट्री हमने देखी, डिस ऑनर की एंट्री क्या थी, बाय सुजीत अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, एंट्री एज इट इज वही रहने वाली है, सिर्फ उसमें थोड़ा चेंज आएगा नोटिंग चार्जेस का। तो एंट्री क्या आएंगी देखो, 4 अगस्त सी वाली कंडीशन हम लोग देख रहे हैं, 4 अगस्त में एंट्री बिल सुजीत के पास में जा रहा है तो सुजीत रिसीवेबल है इसलिए सुजीत अकाउंट डेबिट होगा, बाय सुजीत अकाउंट डेबिट, बिल जा रहा है मेरे पास से इसलिए बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट आ गया, और मेरे पास से अभी कैश भी जाने वाली है ना, कैश में उसने 250 रुपये नोटिंग चार्जेस के पेड किए, तो मेरे पास से कैश भी जाने वाली है, तो कैश अकाउंट भी क्रेडिट आएगा, तो बिल रिसीवेबल था 82,000 का और कैश 250 रुपये नोटिंग चार्जेस की पेड किए, तो ऐसा दोनों मिला के टोटल 82,250 किसके पास से लेना पड़ेगा हमें,
सुजीत के पास से 82,250 सुजीत के पास से हम लोग लेने वाले हैं। यहाँ पर नरेशन आएगा बीइंग बीइंग बिल दिस ऑनर्ड, गलत हो गया क्या, बीइंग बिल दिस ऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड इन कैश, बीइंग बिल दिस ऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड इन कैश, या आगे लास्ट वाले। ओके, एक बार वापस से समझ लेते हैं। इन द बुक ऑफ प्रताप जर्नल एंट्री, सबसे पहले एंट्री आ गई सेल की, सेल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सॉरी सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 82,000 का। हम लोग किसके बुक में देख रहे हैं, प्रताप के बुक में, सुजीत की बुक में अभी तक हमने देखा नहीं। इन द बुक ऑफ प्रताप सेल किया प्रताप ने, इसलिए सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। फिर एक जून को ही उसी तारीख को बिल एक्सेप्टेंस रिसीव किया, तो बिल रिसीव मेरे पास में आया, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुचित अकाउंट 82,000। फिर 4 अगस्त आई, मतलब ड्यू डेट आई, तो एक कंडीशन के हिसाब से 4 अगस्त को क्या होता है, बिल ऑनर होता है, तो एक तो कैश में पैसा आएगा या फिर बैंक में पैसा जाएगा, इसलिए कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट यहाँ पर मैंने क्या किया, डेबिट किया, और बिल रिसीवेबल मेरे पास से गया, क्योंकि बिल के बदले ही पैसे मिलने वाले हैं ना ड्यू डेट के दिन, इसलिए बिल रिसीवेबल मेरे पास से जाएगा 82,000 मेरे पास कैश आएगी या फिर बैंक में पैसा जाएगा। बीइंग सुजीत एक्सेप्टर्स ऑनर ऑन ड्यू डेट, सुजीत ने जो भी बिल एक्सेप्ट किया था वो ऑनर हो गया ड्यू डेट के दिन। अभी बी वाली कंडीशन क्या बोलती है कि अगर डिसऑनर होता है, अगर सुजीत ने पैसे नहीं दिए, उसने डिसऑनर कर दिया उसका एक्सेप्टर्स, तो फिर क्या होगा, मेरे पास में पैसे नहीं आएंगे, तो सुजीत के पास से पैसा लेना बाकी है, इसलिए सुजीत अकाउंट यहाँ पर डेबिट बन जाएगा और बिल रिसीवेबल सेम एज इट इज़ क्रेडिट, क्योंकि बिल मेरे पास से तीनों कंडीशन में जा रहा है। उसके बाद में 4 अगस्त सी कंडीशन क्या बताई, नोटिंग चार्जेस भी पेड किए, अगर डिसऑनर होता है नोटिंग चार्जेस भी पेड किए, तो सुजीत अकाउंट डेबिट बिल रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट, बिल रिसीवेबल है 82,000, कैश में पेड किया 250, दोनों मिलके 82,000 हमें सुजीत के पास से लेना बाकी है। ओके, तो इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग सुजीत की एंट्री देखेंगे, तब तक इसको रिवाइज करो।